नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसके इलेक्ट्रिकल चैनल में। आप देख रहे हैं मेरा एसके इलेक्ट्रिकल चैनल, और आप लोगों से अनुरोध है कि जो सरकार की जो अपील है उसका पालन करें। कृपया घर पे रहें और घर से बाहर ना निकले, ये आपके लिए है, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए एक अच्छा कदम है कोरोना वायरस को हराने के लिए। इसीलिए इसे एक बार फिर आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। और आज मैं इसी के माध्यम से घर पे बैठा हूँ, तो कुछ सब तो करना ही है। तो आज मैं आपको एक MCB के बारे में बताऊंगा, MCB कितने प्रकार की होती है और उस MCB को कितनी उसकी ट्रिपिंग सिस्टम होता है, कितने टाइम में वो ट्रिप करती है, कितना उसका एम्पियर लोड होता है। आपको मैं 10 एम्पियर की MCB के बारे में बताऊंगा। बी टाइप की हो गई, सी टाइप की हो गई, डी टाइप की हो गई, के टाइप की और जेड टाइप की हो गई। ठीक है दोस्तों, आप मेरे वीडियो पे बने रहें और शुरू से लास्ट तक देखते रहें। आपको इन 21 दिनों में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, तो शुरुआत करते हैं, चलते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं एक बार आपसे बोलूँगा, जो मेरे इस चैनल पे नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा ये आपको कैसा लगा। और आपसे फिर से एक बार अनुरोध कर रहा हूँ, भारत सरकार, राज्य सरकार ने जो लॉकडाउन किया है उसका पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। मैं सुरेश सेवलिया, आज मैं बताऊंगा आपको MCB के बारे में और MCB के टाइप के बारे में। चल तो स्टार्ट करते हैं MCB के बारे में। देखिए दोस्तों, ये MCB के जो टाइप है, ट्रिपिंग टाइम है। आज जो ट्रिपिंग टाइम और MCB के बारे में बताऊंगा, तो जो ये बी टाइप की MCB के बारे में बताऊंगा पहले मैं आपको, जो आपको एक करके मैं बताऊँगा। 3 to 5 टाइम के लिए ये सारे 10 एम्पियर तक के MCB के बारे में बता रहा हूँ। ये जो 3 to 5 टाइम, तो 30 to 50 एम्पियर तक इसका लोड रहता है इस पे, 10 एम्पियर की जो MCB है इसमें। और जो इसका ट्रिपिंग टाइम होता है 0.04 सेकेंड से लेकर 13 सेकेंड तक इसका ट्रिपिंग टाइम होता है। इतनी सेकेंड में ये ट्रिप मार जाती है अगर इसमें शॉर्ट सर्किट होता है तो। उसी टाइप की MCB है, उसमें 5 to 10 यानी फिर 50 से 100 एम्पियर की एम्पियर लोड पे ये ट्रिपिंग सिस्टम इसका होता है, वो 0.04 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड तक। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये सभी है 10 एम्पियर की MCB के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। ये डी टाइप की जो MCB होती है वो 10 से 20 तक इसका टाइमिंग होता है, यानी से 100 एम्पियर से लेकर 200 एम्पियर तक का इसमें लोड होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो इसका ट्रिपिंग सिस्टम होता है वो 0.04 सेकेंड से लेकर ये सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड तक इसका ट्रिपिंग सिस्टम होता है दोस्तों, यानी इतने 0.04 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड तक ये कभी भी ट्रिप मार जाएगी जब इसमें कोई फॉल्ट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा तब। तो के टाइप की जो MCB होती है, आगे मैं इनके इनके बारे में बताऊंगा, इसको कहाँ कहाँ यूज में लेते हैं, आप बने रहिए। ठीक है दोस्तों, तो 8 से लेकर 12 इसका टाइमिंग सिस्टम, 80 एम्पियर से लेकर 120 एम्पियर तक। ठीक है दोस्तों, और इसका जो ट्रिपिंग सिस्टम होता है वो होता है दोस्तों, ये जो 0.1 सेकेंड पे ही ये ट्रिप मार जाती है। इसकी सेंसिटिव शक्ति बहुत तेज होती, मतलब कि ये होती है जहाँ हमको उपकरण लगे हुए होते हैं, इसकी हमें लगता है कि हमें इस पे ज़्यादा करंट ना बहे और फटाफट ट्रिप हो जाए, उसके लिए हम के टाइप की MCB का यूज़ करते हैं जो इंडस्ट्री में होते हैं, और बहुत सेंसिटिव कोई भी उपकरण में इसको यूज़ में लिया जाता है दोस्तों। तो अब जेड टाइप की होती है,
तो ये होता है 2 से 3, इसका टाइमिंग होता है यानी 20 एम्पियर से लेकर 30 एम्पियर का ये लोड लेता है, 10 एम्पियर, 10 से एम्पियर की एमसीबी का जेड टाइप की। और दोस्तों इसमें, और ये जो हम इसका जो ट्रिपिंग सिस्टम होता है 0.001 सेकेंड, मतलब कि ये बहुत ही सेंसिटिव होती है, मतलब कि इसमें बहुत ऐसे ये वहाँ यूज होती है जहाँ आपको अपन को फटाफट से मतलब कि ट्रिप होना चाहिए, फॉल्ट होते ही जस्ट सेकंड में ये ऑफ हो जानी चाहिए। ये जो जेड टाइप में होती है वो उसको वो हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे बहुत ही जल्दी ट्रिप होती है। ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा इसको जो बी टाइप को की जो एमसीबी है इसको हम कहाँ कहाँ यूज में लेते हैं। दोस्तों हम जो भी घरों में होता है जो रजिस्टिव लोड होता है, दोस्तों रजिस्टिव लोड के लिए हम इसको यूज में लेते हैं बी टाइप एमसीबी को, जैसे स्मॉल मोटर हुई, फैन हुआ और कूलर हुआ, और जैसे हमने लाइटें वगैरह हुई। ठीक है दोस्तों, हम इसको यूज में लेते हैं। और ये होम जहाँ हम घर में जो वायरिंग करते हैं वहाँ पे हम बी टाइप के ही यूज में लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये के लिए ही रेजिस्टिव लोड के लिए होता है, और कुछ इंडक्टिव लोड के लिए जो स्मॉल मोटर वगैरह हो गई उसके लिए हम बी टाइप एमसीबी यूज लेते हैं। और सी टाइप होती है दोस्तों वो हम इंडक्टिव लोड के लिए हम सी टाइप की जो एमसीबी है उसको यूज में लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इंडक्टिव लोड के अंदर जैसे मोटरें हो गई, एसी हो गई, और जो हम हैं आयरन वगैरह, ये इनको हम सी टाइप की एमसीबी के अंदर हम इनको रखते हैं दोस्तों, मतलब कि सी टाइप की जो एमसीबी है इनसे हम इसका कनेक्शन करते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसके अंदर एमसीबी। और जो अब हम बताएंगे डी के बारे में, डी टाइप की जो एमसीबी होती है वो हम कहाँ यूज लेते हैं, ये डी टाइप की जो मोटर होती है, बिग जो मोटर होती है, बड़ी मोटर हो गई, एक्सरे मशीनें हो गई, अपनी वेल्डिंग मशीन हो गई, तो हम इनमें इसका यूज में लेते हैं डी टाइप मोटर्स का, सॉरी डी टाइप एमसीबी का। ये इंडस्ट्री में यूज में लिया जाती है, और डी टाइप की जहाँ वेल्डिंग मशीन है इनका, इनके लिए भी अलग से इनका यूज में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये लोड के लिए ही होती है डी टाइप की भी हम यूज में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब के टाइप की मैं बता देता हूँ आपको, जो के टाइप होती है ये इसकी सेंसिटिव हो सकती हो, मतलब कि ये ट्रिपिंग सिस्टम इसका बहुत ही जल्दी हो जाता है, हम उस जगह इसको यूज में लेते हैं जहाँ को हमें हमें लगे कि हमारा उपकरण जल्दी ख़राब नहीं हो और उसको फटाफट से इसको ऑफ कर दे, उसके लिए हम के टाइप एमसीबी का यूज में लेते हैं, जिसकी ट्रिपिंग सिस्टम 0.01 सेकेंड के अंदर ये ट्रिप कर जाती है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी ट्रिपिंग सिस्टम बहुत ही सेंसिटिव होती है, ये फटाफट से ट्रिप मार जाती है, इसी के लिए हम इसको के टाइप के एमसीबी यूज में लेते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ जेड टाइप की, जेड टाइप की जो एमसीबी होती है हम इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर जैसे डिवाइस में हम इनको यूज में लेते हैं, उनके सर्किट को शॉर्ट सर्किट होने से बचाती है, और इनकी ट्रिपिंग सिस्टम 0.01 सेकेंड होती है, ये बहुत ही सेंसिटिव होती है दोस्तों, इसको थोड़ा सा भी इनको लगे कि स्पार्क शॉर्ट सर्किट हो तो फटाफट उसको ट्रिप कर देगी दोस्तों, उसके लिए हम के टाइप की, हम मेनली बी सी और डी तीन तरह की जो ये एमसीबी है उसी को हम यूज में लेते हैं दोस्तों। और आपको आप देख रहे होंगे इसमें डी टाइप वगैरह इनकी जो आपको मैं इसमें स्क्रीन में बता रखा हूँ, अब मैंने बताया है, और जो होता है दोस्तों एक तो शॉर्ट सर्किट होता है और एक ओवरलोड,
ओवर लोड ट्रिपिंग होती है। शॉर्ट सर्किट तो क्या हो, फटाफट से अपने इसमें बता रखा है उसी हिसाब से सेकंड के हिसाब से ये ट्रिप मार जाती है। ओवर लोड में क्या होता है, जब ये हीट होती है दोस्तों, जब जब जैसे 10 एम्पियर की मोटर, 10 एम्पियर की MCB है, उसमें हम 15 एम्पियर का लोड चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, जैसे जैसे इसी हीट होगी ना, उसके बाद में ट्रिप मारेगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो उसी हिसाब से हम इसको ये ओवर लोड ट्रिप होती है। और शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि ये थर्मल थर्मली ट्रिप होती है, शॉर्ट सर्किट से बहुत गर्म हो जाता है, इसकी जो कॉन्टैक्ट बाय टेक्निक वो इसका जो कॉन्टैक्ट जो हट जाता है, उसी वजह से ये शॉर्ट सर्किट को जल्दी से उस पत्ती को हटा देती है। और ओवर लोड में ये उस चीज़ को हीट हो के हीट होने के बाद में ट्रिप मारती है दोस्तों, यही सिस्टम इस इन दोनों में बता रखा है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आया भी होगा, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में लिख के बताएं आप को ये वीडियो कैसा कैसा लगा, और आगे भी आप और वीडियो देखना चाहें उसके बारे में मेरे को बता सकते हो, मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। और ठीक है दोस्तों, अब देखिए थर्मल ट्रिप होता है, इसमें ऑल लोड के अंदर होता है, मैंने आपको बताया है, और ये आपसे अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए दोस्तों, एसके इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, जैसे आप देख रहे होंगे इस बटन को आप अवश्य दबाएं। और जय हिंद, जय भारत।